ओम शांति। आज नवरात्रि का पांचवा दिन है। माँ दुर्गा के पांचवे स्वरूप स्कंद माता के रूप में पूजन और आराधना की जाती है। भक्ति मार्ग के शास्त्रों के अनुसार कहते हैं कि स्कंद माता की पूजा और आराधना करने से मूढ़ी भी ज्ञानी बन जाते हैं। तो कहते हैं, पहाड़ों पर रहकर सांसारिक जीवों में नव चेतना का निर्माण करने वाली स्कंद माता है। स्कंद कुमार यानी कार्तिकेय की माता होने के कारण स्कंद माता कहा जाता है। भक्ति मार्ग में कहते हैं, स्कंद माता की उपासना करने से भक्तों की सर्व इच्छाएं पूर्ण हो जाती है। इसका आध्यात्मिक या स्पिरिचुअल अर्थ है कि स्कंद माता माना बच्चों को मूल्य आधारित जीवन का मार्ग दर्शाने वाली और बच्चों की सही रूप से पालना देकर उत्तम बनाने वाली और कुदृष्टि कुकर्म कुसंस्कारों को परिवर्तन करने वाली। हम सभी जानते हैं कि द रूट कॉज ऑफ ऑल ह्यूमन सफरिंग्स एंड प्रॉब्लम्स ऑफ सेल्फ फैमिली नेशन इंटरनेशनल और मिसिंग ऑफ वैल्यूज कॉल्ड ह्यूमन वैल्यूज सेल्फ वैल्यूज एंड मॉरल वैल्यूज। माना आज हम सभी की अनेक पीड़ाओं का सफरिंग्स का कारण है हम अपने मूल्यों को मूल्य न देना। तो आइए आज हम स्कंद माता बन अपने आत्मा के आंतरिक मूल्यों को जाने। तो आत्मा के निजी मूल्य है ज्ञान सुख शांति आनंद प्रेम पवित्रता और शक्ति। तो इन सर्व मूल्यों को हम अपने जीवन में धारण कर स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन का कार्य करेंगे। तो आइए आज स्कंद माता बन मूल्यों को अपने जीवन में धारण कर उसका वाइब्रेशन सारे विश्व में फैलाएंगे। ओम शांति।